सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमस्कार। तो आज मैं आपको वसुमती योग बतलाने जा रहा हूं। कुछ ज्योतिष के जो भक्त हैं वे यह जानना चाहते हैं। हालांकि यह मेरा वो वैसा विषय नहीं है, परंतु ज्योतिष के जो जानकार हैं वे आपको और विशेष बताएंगे। जो ज्योतिषाचार्य हैं फिर वे ज्योतिष का अध्ययन चूंकि हमारा भी रहा है और विषय रहा तो कुछ निर्देश दे दे रहा हूं। वसुमती का अर्थ समझिए। वसु जो है वो जो ऐश्वर्य है, जो संसाधन है, जो भोग है, जो धन संपदा है, तो उसको वसु कहते हैं और उन देवताओं को वसु कहा गया है। तो यह जो योग है यह उन्हीं के लिए है जिनमें यह योग बन रहा है, यानी जिनमें संपदा का, यश का, सम्मान का, अहोभाग्य का चारों ओर जिसकी कीर्ति का ध्वजा फहरा रही है, जिसके पास विपुल संसाधन है, जन संसाधन है, धन संसाधन है, और जो पराक्रमी है, और कुछ अर्थ में भाग्यशाली भी हैं और काफी अच्छी प्लानिंग करते हैं, जो जो नीतिज्ञ हैं, वैसे के लिए जो है वसुमती योग है। यानी यह योग होने पर ये इन चीजों की प्राप्ति होती है, लाभ होते हैं, ऐसा ज्योतिष के शास्त्र बताते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको देखना क्या होता है, क्योंकि इसका निर्धारण जो है ना वह शुभ ग्रह करते हैं। शुभ ग्रह का मतलब हो गया कि चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध। तो गुरु सबसे शुभ में से हैं, और फिर शुक्र और चंद्रमा हैं, फिर बाद में बुध आते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ये शुभ होते हैं, जो ये बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभ देते हैं। तो अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन किस में होगा, कैसे कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, तो आपने जन्म कुंडली का देखिए, तो उसमें लग्न कुंडली और उसमें आप चंद्र कुंडली, ये दोनों देख सकते हैं। अर्थात आप लग्न से देखिए या चंद्र से देखिए, वहां से गिनिए जहां पर चंद्रमा है, या वहां से गिनिए जहां से लग्न है, या दोनों से गिनिए। और आपको गिनना क्या है, तीसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव और ग्यारहवां भाव। तीसरा भाव अर्थात पराक्रम का भाव होता है, छठा भाव अर्थात कंपटीशन का भाव होता है, शत्रु ऋण रोग इनका भी भाव होता है, और दसवां भाव यानी राजसत्ता से संबंधित भाव होता है, कर्म से संबंधित भाव होता है, और बारहवां भाव अर्थात
सॉरी 11 भाव था लाभ का भाव होता है। तो इन भावों में अगर ये शुभ ग्रह हैं तो आपका वसुमति योग बन जाएगा। आप लग्न से इनको गिनिए, 3 में है या 6 में है या 10 में है या 11 में, या चंद्रमा आपका जहां भी है, जिस भी भाव में चंद्रमा है, जिस भी खाने में आपका चंद्रमा है, वहां से आप गिनिए, वहां से 3रा 6ठा 10वां और 11 ऐसा आप गिनेंगे। तो यदि गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा हैं, तो ये वसुमती योग बन जाएगा और आपको बहुत ही धन यश संपदा पराक्रम बुद्धि ये सब देंगे, सुख सुविधाओं से आप एकदम संपन्न हो जाएंगे। अब ये जो ग्रह हैं, अब इनकी जो पोजीशन देखनी होगी कि ये जब इन स्थानों पर हैं तो वे क्या उचित उच्च उच्च की स्थिति में हैं, या जो है अपने घर में हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्या वे केंद्र स्थान पर हैं या मूल त्रिकोण में है, यह भी देख सकते हैं। तो यदि इनमें से कोई जो है उच्च स्थान पर है तो वो ज्यादा फल देगा, बढ़िया फल देगा। और अगर डिग्री वाइज भी मजबूत है तो बहुत अच्छा फल देगा। अगर वह किसी अन्य ऐसे ग्रह के साथ नहीं है जो क्रूर ग्रह है, स्वतंत्र है या दृष्ट नहीं है क्रूर ग्रह से, तो और अच्छा तो फल बढ़िया होता जाएगा। आपको उसमें ऐड करते जाना है। अगर क्रूर ग्रह से दृष्ट है तो जाहिर सी बात है या उसके साथ ही युक्त है तो उतना फल वह नहीं दे पाएगा, देगा लेकिन उतना फल वह नहीं दे पाएगा। अगर क्रूर ग्रह से वह कमजोर पड़ जा रहा है, डिग्री वाइज देख लीजिए, क्रूर ग्रह की डिग्री और इनकी डिग्री देख लीजिए, अगर क्रूर ग्रह की डिग्री ज्यादा मजबूत हो जा रही है इनसे, तो फिर यह उतना फल नहीं दे पाएंगे या नहीं के बराबर दे पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फल देंगे। तो आपको ओवरऑल इसका कॉम्बिनेशन देखना होता है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है। अगर नीच के हैं तो फल तो देंगे लेकिन बहुत ही न्यून फल देंगे और काफी संघर्ष के साथ संपदा आपको आएगी। अगर नीच की स्थिति में है तो आप सोच सकते हैं। सिर्फ गुरु जो हैं, यदि वे नीच के भी हैं तो भी अच्छा फल देते हैं, हालांकि संघर्ष तो भी कराएंगे लेकिन कम कराएंगे बाकियों के बनिस्पत। और अन्य जो हैं वे नीच की स्थिति में होंगे तो आपको कम देंगे या नहीं के बराबर देंगे या विपरीत भी दे सकते हैं, अगर क्रूर ग्रह से दृष्ट हो जाए तो या युक्त हो जाए तो। चंद्रमा जो है वह किस अवस्था में है वह भी देखना पड़ेगा। तो जैसे कि यदि वह जो है पाप पोजीशन पर है तो फिर उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे, उतने मजबूत डिग्री उनकी नहीं है तो वह नहीं दे पाएंगे। या अगर अस्त हैं, कोई ग्रह अस्त है यानी सूर्य के साथ उनकी डिग्री देखी जाती है, जैसे बुध कभी कभी अस्त हो जाते हैं और वैसे तो अन्य भी हो सकते हैं, तो अगर अस्त हो जाएंगे काफी करीब चले गए सूर्य के डिग्री के मामले में तो वे अस्त माने जाते हैं। तो अगर काफी करीब चले गए तो उनकी डिग्री और सूर्य की डिग्री और उस ग्रह की डिग्री देख लीजिए, अगर अस्त होंगे तो भी इस योग का प्रभाव थोड़ा घट जाएगा। अच्छा, फिर इनमें से कोई एक ग्रह है या इनमें से अधिकतर हैं या 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर उसके हिसाब से भी आप देख लेंगे। अगर ये 4 ही उपलब्ध है यानी चंद्रमा भी है 3, 6, 10, 11 में, अगर बुध भी हैं, अगर गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, इनमें इनमें से कोई एक एक है तो हो गया, वो भी वसुमती योग ही।
दो है तो भी है, और तीन है तो भी, और चारों है तो भी है। तो यह बहुत ही, अगर चारों हो गया और चारों अच्छी पोजीशन पर हो गया तो फिर क्या कहने, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो काफी प्रसिद्धि उनको होगी, बहुत धन संपदा से समृद्ध होंगे और बहुत पराक्रमी होंगे, और जिधर हाथ डालेंगे उधर ही उनको धन संपदा बरसने लगेगी। तो इस तरह से आप अपने जन्म कुंडली में वह देख सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी मजबूत है, उसके आधार पर ही फल का विवेचन करना चाहिए। या नहीं कि कहीं एक जगह हो गए तो उसी में पूरा का पूरा सारा संपन्नता सोचने लगे, तो ऐसा भी नहीं है। मिला जुला के क्रूर ग्रहों से और शुभ ग्रहों का कॉम्बिनेशन से ही आपको देखना पड़ता है, और इनकी डिग्री, इनकी ताकत देखनी पड़ेगी, और इनका बलाबल की परीक्षा करके ही, और किसके साथ युक्त हैं उसके साथ देखते ही ही आप जो है ओवरऑल जो है एक निर्णय दे सकते हैं। यह वैसे बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। राजयोग का अर्थ हो गया कि राजाओं जैसी, मतलब काफी समृद्ध हो जाना, काफी बलशाली हो जाना, काफी शक्तिशाली हो जाना, वैभवशाली हो जाना, और काफी भाग्यशाली भी होना। तो यह बहुत बड़े राजयोग में से एक राजयोग है। तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी अगर विशेष विश्लेषण अगर किसी को करना होता है तो अपना ज्योतिषाचार्य वगैरह से संपर्क कर सकते हैं, और उनसे आप बहुत ज्यादा कुछ समझ सकते हैं। लेकिन शास्त्र में जितना जहाँ तक वर्णन है वो मैंने आपको बताया है, और प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, और दूसरी जगह से भी आप संपर्क करके जानने की चेष्टा करें। तो इसमें इतना ही। हरिओम।